हेलो एवरीवन, दिस इज श्वांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको सेकंड ईयर में कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्ट करने चाहिए। तो चार आपके तो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इग्नू का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जुलाई सेशन का। तो इग्नू में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले आपने लास्ट ईयर जून में एडमिशन लिया था जब आपके एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, ठीक है। 22 में एडमिशन लिया था, अब 23 में आपके जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो कोई भी डाउट ना रखना कि भैया एग्ज़ाम क्लियर होगा, जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तब, जब मेरे क्लियर हो जाएगा तब मैं सेकंड ईयर में एडमिशन लूँगा, ऐसा नहीं होता। इग्नू में पहले ही हो जाता है, काफ़ी बार मैंने बताया आप लोगों को। तो इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट है, लास्ट ईयर एडमिशन लिया था तो आप अभी री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जिन्होंने दिसंबर में नहीं कराया था, जिन्होंने लास्ट दिसंबर में एडमिशन लिया था और अभी जैन में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था फर्स्ट ईयर का, कि वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो आप जून में करा लो ताकि आप जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है नेक्स्ट जून में दे पाएँ। तो ये तो हमारे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, चार आपके होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसमें आपका है पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट, और रिसर्च मेथड इन इकोनॉमिक्स। ये आपके क्या हैं, चार कंपलसरी सब्जेक्ट है और दो आपको ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट जो आपको ऑप्ट करने होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो हैं आपके, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और इनके असाइनमेंट भी सबमिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनका एग्ज़ाम नहीं देना है, तो ये एक तरीके से कंपलसरी ही हैं आपके। बस ये कि आपको अपनी मर्जी से दो सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्ट करने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। नीरज पब्लिकेशन जो है इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया है। अगर आप 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं इग्नू बुक्स नीरज पब्लिकेशन के थ्रू, तो आपको जो है 50% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि जब आप ऐड टू कार्ट पर जाएंगे, भाई जो भी आपने बुक्स करी हैं सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद जब आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो यहाँ स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है SC2023 जो मेरा कूपन कोड है, तो इसके बाद आपको फर्दर डिस्काउंट और मिलेगा 50% के बाद, क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट खरीदना चाहते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट करके भी दिया गया है। बढ़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको कोई दो जो हैं ऑप्ट करने हैं। भाई जिन स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है या उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करा है, ठीक है, तो वो ये शुरू के जो ये एक्चुरियल और इकोनोमेट्रिक्स ये तो ऑप्ट करना ही मत। और आप वर्किंग है, ठीक है, और आप हाउसवाइफ हैं, तो ये दो सब्जेक्ट बिल्कुल ऑप्ट मत करना, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है और साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप ये, आपको 12 क्रेडिट्स ऑप्ट करने हैं तो आप MGSC 9 के साथ या तो MWG 11 या MEDSC 046, ये कोई जो है ऑप्ट कर सकते हैं। भाई MEGSC के साथ कॉम्बिनेशन रखा गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि आप MEGSC के साथ या तो ये ले सकते हैं MWG 11 या MEDSC 46 ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि MEGSC के साथ आपको ये लेना, ये दोनों ही थियोरेटिकल है और इजी है। वैसे अगर आप MEGSC के साथ MEDSC लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, इसकी थ्योरी इंटरेस्टिंग है और इसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इको ट्रिक्स लेना। भाई अगर आपने इको ऑनर्स करा है तो आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी होगी, अगर आपकी अच्छी है तो ही ऑप्ट करना, अदरवाइज आप लोग भी यही करना। यह प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करके जो है इग्नू के हेड ऑफिस सेंड करना होता है, साथ साथ इसमें वाइवा भी होता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर वही कॉम्बिनेशन का चक्कर पड़ेगा 6-6, या तो फिर आपको ये दोनों ऑप्ट करने पड़ेंगे या इसके साथ ये, तो ये कॉम्बिनेशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई, डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक। इसीलिए जो लास्ट वाले हैं इनमें से ही आप ऑप्ट कर लीजिए MEGSC 09 या MEDSC 046 या MEGSC के साथ 11 या 46, ठीक है। मैं सिर्फ का लास्ट की जो डिजिट है वो बोल रही हूँ, 9 तो लेना ही है क्योंकि इसमें 4 क्रेडिट है और इन दोनों में 8 है, 12 क्रेडिट टोटल होने चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, MEGSC 9 के साथ आपको ऑप्ट करना है या तो MWG 011 या MEDSC 046। ऊपर के चार जो हैं वो आप देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब भाई आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है, आपका अच्छा है इकोनॉमिक्स, तभी ऑप्ट करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मार्केट है ये इजी तो है, लेकिन फिर इसके साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा फिर वही डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा एक।
फिर बैक आ जाती है, फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जिससे आपकी बैक ना आए और एक बार में आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।